आज मैं आपके साथ पांच ऐसे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, ऐसे टूल्स शेयर करने जा रही हूँ जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है या फिर पता होता है, आई डोंट नो क्या होता है इन सब चीज़ों में, बट हमें उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती है। तो ये मेरे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा मुझे हेल्प करते हैं ये डिज़ाइन क्रिएट करने में, मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टूल है टच टाइप टूल, ठीक है। टच टाइप टूल बेसिकली क्या करता है, आपने कोई भी टेक्स्ट राइट किया हो, ये आपको इंडिविजुअल कैरेक्टर को अपने स्टाइल से इसको चेंज करने का राइट देता है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने अपना टेक्स्ट जो है वो राइट किया हुआ है, यहाँ से टाइप में जाएंगे एंड टच टाइप टूल में जाएंगे। जैसे ही मैं किसी भी एक कैरेक्टर पे क्लिक करती हूँ, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, तो आप इसको सिंपली यहाँ से बड़ा या छोटा करेंगे तो जो रेस्ट आपका टेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिकली ही एडजस्ट होगा अपने अकॉर्डिंग। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डॉट है यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हो, यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हो, आप इसको मैन्युअली जैसे भी चाहो बड़ा या छोटा अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट जो है वो मैनेज कर सकते हो। ये टूल पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, एंड पहले मैं सफ़र करती थी अपने डिज़ाइन को लेके कि इंडिविजुअल टेक्स्ट को मैंने डबल क्लिक करा एंड फिर उसको हटाया, फिर स्पेस किया एंड देन उसके बाद मैंने उसको मैनेज किया। मुझे इस टूल के बारे में इतना नहीं था याद। सो ये टूल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, आप इस टूल को ज़रूर ट्राई करें। एंड सेकेंड है, मैं इसी को ही यहाँ पर रखती हूँ। सेकेंड है, पहले मैं क्या करती थी, मुझे अगर जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शेप क्रिएट किया, ठीक है, एंड उसके बाद मैं इसको यहाँ से कलर चेंज कर देती हूँ, जैसे मैंने ये कलर रख दिया, मैं क्या करती थी, अगर मुझे यहाँ से कोई भी, सपोज़ मुझे इसके दो पार्ट करने हैं, ठीक है, अगर मुझे चाहे इसको इस तरीके से कट करना है, इस तरीके से कट करना है, मैं सिंपली इसका ऑल्ट के साथ कॉपी लिया एंड इसको मैंने यहाँ से फ्रंट पे रख के और इसको बड़ा कर लिया, ठीक है। अभी मैं इसके यहाँ पर, सॉरी, इसी के यहाँ पर एक और कॉपी ले रही हूँ ऑल्ट के साथ। तो मैं क्या करती थी, अगर मुझे इसको इस तरीके से कट करना है या फिर मुझे इसको इस तरीके से कट करना है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐसे एक रेक्टेंगल रखती थी एंड देन उसके बाद यहाँ से पाथ ऑब्जेक्ट पाथ एंड डिवाइड बिलो ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर जाती थी, तब ये क्या करता था, इसके इस तरीके से दो प्रोसेस में इसके दो इसको डिवाइड कर देता था। बट अब क्या है, अगर आपको इसको डिवाइड पाथ के बिना अगर आपको इसको सेपरेट करना है तो अब वो आप कैसे करोगे, आपको यहाँ पे एक टूल मिलेगा सीजर टूल। सीजर टूल क्या करता है, आप अपने पाथ पे यहाँ पर क्लिक किया एंड मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब आप देखो इसने यहाँ पर इसकी इजीली सिर्फ एक दो क्लिक में इस सीजर टूल ने इसको कट कर दिया। आप चाहो तो जैसे चाहे उसको वैसे कट कर सकते हो। तो इस टूल के बारे में मुझे पहले इतना नहीं पता था एंड देन जब मुझे पता चला तो मेरा काफ़ी सारा वर्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है। सो प्लीज़ आप इस टूल को भी ट्राई करो। एंड उसके बाद नेक्स्ट टूल है मैं हमारा, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बहुत पहले ये कैरेक्टर डिज़ाइन किया था, ठीक है, अगर मुझे इसको रीकलर करना है तो वो आप क्विकली कैसे कर सकते हो, आप सिंपली इसको सिलेक्ट करो एंड यहाँ पे आप एक ऑप्शन देखो, यहाँ पे है रीकलर आर्टवर्क, आप इस पर डबल क्लिक करो। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो जितने भी ये कलर्स यहाँ पर होंगे ये यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। सपोज़ मुझे इसका पर्पल, इसका जो ड्रेस कलर है वो मुझे चेंज करना है, तो आप इस पर क्लिक करो एंड यहाँ पर आप देखो, आप मैन्युअली अपने अकॉर्डिंग कोई भी आपको कलर बनाना है यहाँ पर, तो आप इस तरीके से यहाँ से कलर जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये है आपका एक बेनिफिट, अगर आपको कोई भी अपना आर्टवर्क है और आपको उसको चेंज करना है तो आप रीकलर आर्टवर्क से कर सकते हो। एंड उसके बाद सेकंड है हमारा, जैसे कि आपने कोई भी यहाँ पे पेन टूल से, सपोज मैंने ये यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, मैं इसका यहाँ से फिल सिंपली पहले नन कर देती हूँ। अगर मुझे इसको मैनेज करना है, सपोज़ मुझे ये स्ट्रोक है, मुझे इसको बीच में से थिक है चाहिए एंड साइड से मुझे थिन चाहिए, तो यहाँ पे एक टूल मिलेगा आपको विड टूल, ठीक है। ये क्या करेगा, आप इसको यहाँ पर क्लिक करो एंड इस तरीके से ड्रैग करो
तो अभी आप यहाँ पे देखो कि इसने क्या किया, इसने ये वाला, इसका जो स्ट्रोक है ये यहाँ से आपको थिन दिखेगा एंड सेंटर से ये आपको थिक दिखेगा। बाय द वे ये थी टिप नंबर 4। वर्ड टूल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर आप कोई भी डिज़ाइन कैरेक्टर क्रिएट करते हो, तो ये बहुत ही बेस्ट टूल है। प्लीज़ ट्राई दिस। मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ यहाँ से एंड डिलीट कर रही हूँ। फिफ्थ टूल जो है वो है हमारा शेप बिल्डर टूल। सपोज मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन क्रिएट किया एंड एक सर्कल लिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, इसको जूम करती हूँ यहाँ से, ऑल्ट के साथ मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सॉरी, एंड मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया एंड मैंने ऑल्ट प्रेस किया एंड यहाँ पे इसको रख दिया। पहले आप इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए, देन उसके बाद आप यहाँ से शेप बिल्डर टूल ले लीजिए। अगर मुझे इन सबको मर्ज करना है तो मैं सिंपली इस तरीके से इसको यहाँ से क्लिक एंड ऐसे करूँगी। तो अभी आप देखो ये एक फ्लावर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से एक सर्कल लूँगी एंड मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे रखूँगी। ओके, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अगर सपोज अभी मुझे यहाँ से कट करना है सेंटर से, तो मैं इसको अंडू कर रही हूँ यहाँ से। मैंने अपनी दोनों शेप को जो है वो सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लिया एंड सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया, तो अब इसने क्या किया, इसको यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से शेप बिल्डर टूल क्या करता है, आप जिस पर भी इसको सेलेक्ट करोगे, अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया मैंने, ठीक है, एंड उसके बाद मैंने यहीं से इसकी कॉपी ले ली, ठीक है। एंड सपोज इफ़ आई वॉन्ट कि ये वाला पार्ट मुझे इसका सेपरेट चाहिए, तो आप क्या करो, आप इस पर क्लिक कर दो एंड इस पर क्लिक कर दो, इस पर क्लिक कर दो, तो अभी ये तीनों पार्ट जो है वो अलग हो चुके हैं। आई होप सो कि जो मैंने आपके साथ 5 टूल्स शेयर किए ये आपको बहुत पसंद आए होंगे एंड प्लीज़ आप इनको ट्राई कीजिए एंड मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।